नमस्कार दोस्तों, इस समय कांवड़िया पथ पर स्थित हैं और कांवड़ियों का आने का जो सिलसिला है बहुत नहीं तो कम ही आ रहे हैं और पहुंच चुके हैं तारापुर। और यहां से ये जो रास्ता जाता है माँ टेलढिया मंदिर के लिए जाता है, जो कि प्रसिद्ध मंदिर है माता रानी का। यहाँ से 500 मीटर की दूरी पर है और यहाँ से बाबा धाम देवघर की दूरी 85 किलोमीटर है। और तारापुर आप का 1.5 किलोमीटर दूरी है। सावन खत्म हो चुका है और कांवड़ियों का जो सिलसिला है वो तो लगातार देखने को मिल रहा है। फिलहाल भीड़ नहीं है तो हमारे साथ बने रहें और देखने की कोशिश करेंगे। कांवड़िया पर सन्नाटा पसंद किया है। बोल बम, बोल बम, बोल बम। एकदम बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। बोल बम, क्या कीजिएगा घर जाएंगे अब। यहाँ का हमने है मुंगेर जिला, अब दुकान कैसे छोड़ दीजिएगा फिर? ना खोल के ले जाएंगे पूरा 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 सामान यहाँ से। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा राजेश कुमार। अच्छा, कब से दुकान खोले? सावन से खोले। अच्छा, कांवड़िया पथ से दंडवत यात्रा सुल्तानगंज से बाबा धाम चलते हैं। प्रणाम बाबा, कहाँ से हैं? बाबी धाम से हैं। हम कलकतिया धर्म से, देवघरे जिला से। अच्छा, तो कब जल उठाए थे? 7 तारीख को उठाए। 7 तारीख को उठाए बृहस्पति। 8 को यहाँ तक पहुँचने में कितना दिन? यहाँ तो देखो, लेकिन यहाँ छठा हम लोग का छठा है। छठा दिन है। क्या भोलेनाथ से वो है उम्मीद है? अब देखे भोलेनाथ क्या करता है, जहाँ तक लिख सकता है। अब क्या श्रद्धा है भोलेनाथ का? अब भोलेनाथ का कृपा है, श्रद्धा हम क्या करें? अब भोलेनाथ जाने तो होगा ना। अब कुछ तो होगा, मनोकामना पूरा हुआ तब तो जाएंगे। तो जब हमको बाबा पूर्ति नहीं किया तो हम कहाँ जाएंगे? इतना कष्ट क्या करेंगे? बाबा जरूर दिया है। तो कैसा लग रहा है? हमको अभी ठीक लग रहा है बाबा। क्या भीड़ भाड़ कांवड़िया? सावन तो खत्म हो गया अभी तो। सावन का सावन है ही है ना? सावन खत्म हो गया। तो भीड़ कैसा है? पीछे तो है, रया मेला कहाँ निकला है? मतलब पूरा भीड़ चल रहा है कांवड़िया पथ में? कांवड़िया पथ में अभी भी भीड़ चल रहा है? 3 दिन भीड़ चलेगा अभी तो। उतना दिख नहीं रहा है कांवड़िया से तो नहीं, और 3 दिन के बाद, और 3 दिन के बाद। 3 दिन चलेगा भीड़ रहेगा? 3 दिन के बाद और भीड़ चलेगा। 3 दिन एक रंग चलेगा। अमस्या हो जाएगा ना, एकदम रास्ता जम हो जाएगा, सावन का भीड़ चलेगा। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? रामदेव यादव हुआ। अच्छा, तो कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग
और ये भी है, वीडियो बना रहे हैं ना। हाँ बोलबम यहाँ तक पहुँचने में कितना दिन लगा? सतमा रोज हो गया। सतमा रोज हो गया। क्या भोलेनाथ से श्रद्धा है? बाबा को जाने कृपा, और क्या श्रद्धा? कोई मनोकामना तो होगा, सब भी मनोकामना पूरा करेगा। मनोकामना जो है, मनोकामना जिसको कमर गया है वही तो आ रहा है। जा पाइएगा, यहाँ से 85 किलोमीटर है। अब जितना दूर है बाबा, जैसे जल्द असरगंज पहुँच चुके हैं आप लोग। आप लोग असरगंज पहुँच चुके हैं? तारापुर के असरगंज। हाँ तारापुर, तारापुर हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, तारापुर पहुँच चुके हैं। यहाँ से 85 किलोमीटर है और देख रहे हैं और सभी दंडवत यात्रा है। सारे लोग हैं, ये सब अच्छा। लोग जा रहे हैं दंड में। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मदन तांती है। यहाँ तक पहुँचने में कितना दिन लगा? सातवा रोज है। अच्छा, भीड़ भाड़ कैसा है? जो है तो हल्का पल्का ठीक है। दुकान उकान खुला है? दुकान सारा खुला है। तो बहुत देख रहे हैं बंद भी पड़ा है, एक दो कोई दो कोई दो मतलब समेट के चला गया है। एक रुपया में चौवनिया दुकान उठ गया। हाँ। क्या बोले? एक रुपया में चारना दुकान हट गया है, 25 पैसा हट गया, 75 पैसा दुकान रोड में। ठीक है, बोलबम हट गया। आप लोगों का यात्रा हार्दिक शुभकामनाएं, शुभ मंगल हो। बोलबम कहाँ से है? बम घर कहाँ है आपका? घर है देवघर जिला है। देवघर जिला है। हाँ। झारखंड का रहने वाले हैं। हाँ। यानी तो यहाँ तक पहुँचने में कितना दिन लगा? सतमा रोज। हाँ। भोलेनाथ से क्या श्रद्धा है? भोलेनाथ से श्रद्धा है, जो श्रद्धा है भोलेनाथ पूरा कर दिया, तो आप लोग हम पूरा करते हैं। अच्छा, तारापुर पहुंच चुके हैं, यहाँ से 85 किलोमीटर की दूरी है बाबा धाम, जा पाइएगा? वो बाबा जानेगा, हम नहीं जानेंगे। अच्छा, भीड़ कैसा है कावड़िया पथ में देखने को मिल रहा है, जैसे कि सावन में मिलता था? वो हल्का फल्का चलते रहता, हल्का फल्का हल्का। सावन है ही खत्म हो गया, सावन खत्म हो गया, देख सकते हैं सभी। बोलबम जा रहे हो? कब जल उठाए? कल। नाम क्या है? गुलशन कुमार। क्या श्रद्धा है भोलेनाथ से? लूर बुद्धि। बढ़िया। पढ़ाई करता है? शिव चर्चा। यहाँ से कितना किलोमीटर है बाबा धाम? 2 किलो। 85 किलोमीटर है। 85 किलोमीटर है। तो बोलबम सकते हैं कि कांवड़िया पथ में जो सावन के महीने में कांवड़ियों की भीड़ लगता था, वो भीड़ नज़र नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं दुकानें बंद हो चुकी है, और जैसे कि सावन के महीने में जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के जवानों को तैनात कर दिया जाता था कांवड़िया पथ पर, वो हट गया है। और देख सकते हैं कांवड़ियों बिल्कुल ही नहीं है, दुकानें उठ चुका है। तो अभी बोलबम पैदल यात्रा सुल्तानगंज से बाबा धाम करने के लिए जा रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा मैसेज है कि अभी भीड़ नहीं चल रहा है। बाकी इस वीडियो के बारे में आपका क्या विचार है कमेंट करके ज़रूर बताएं। बोलबम हर हर महादेव। जय हिंद जय भारत।